आपने क्या फ्रेम किया नल हाइपोथेसिस दिख रहा है सारी चीजें क्या है इक्वल सो दिस इज नल हाइपोथेसिस कैलकुलेट द ग्रैंड मीन स्टेप टू पे आपने क्या किया मीन्स तीनों मीन्स को प्लस कर कर किससे डिवाइड किया मीन से नंबर ऑफ सैंपल से कितना आया 10 यहां तक किसी को कोई डाउट है अब ध्यान से देखो सोर्सेस ऑफ वेरिएशन वेरिएशन का मतलब क्या है अंतर चेंज डिस्पर्शन वेरिएशन वेरिएशन किसके अंदर पड़ा था आपने वेरिएंस डिस्पर्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस आप किसमें पढ़ के आए हो डिस्पर्शन अंतर का सोर्स क्या है वेरिएशन का सोर्स क्या है पहला बिटवीन सैंपल मतलब फर्स्ट सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच में दूसरे और तीसरे के बीच में क्या अंतर है उसको हमने क्या नाम बोला बिटवीन सैंपल सभी को समझ में आया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है मतलब पहले उसमें आप वेरिएंस किसके बीच में देख रहे हो सैंपल्स के अंदर नहीं दो या दो से ज्यादा सैंपल के बीच का तो दैट इज बिटवीन सैंपल अब इसमें आपको ये समझ में नहीं आया सम ऑफ स्क्वायर ध्यान से समझो जब आप डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हो तो क्या करते हो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके क्या करते हो आप स्क्वायर और उसका क्या करते हो बाद में सभी का